नमस्कार, मैं हूं अनिल जायसवाल। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया न्यूज। सीवान में आज लगातार पांचवें दिन कार्यपालक सहायकों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। इसी क्रम में उन्हें प्रधान सचिव तरफ से कार्य मुक्त करने का आदेश जारी किया गया है, जिस आदेश के प्रति को जलाकर हड़तालियों ने अपना विरोध जताया। कार्यपालक सहायकों ने एक स्वर में सरकार की दमनात्मक कार्यवाही की निंदा किया और कहा कि सरकार हमें न्यायालय जाने पर विवश कर रही है। आप लोग रख रहे हैं तो सरकार जरूर सुनवाई करेगी। सरकार के द्वारा सर बार बार धमकी तो दी जाती है। ओह, ये तो साम दाम दंड विभेद से क्षेत्रीय बनी है। नीतियाँ अमूमन हर जगह कॉन्ट्रैक्ट पर ही बहाली हो रही है। सब विभागों में नीट नौकरी एक तरह से कहिएगा तो खात्मा हो गया है। लोग बड़े पैमाने पर बेरोजगार हैं, लेकिन आज के तारीख में लोग रोजगार पर आंदोलन कम कर रहे हैं, है कि नहीं? ज़्यादा हिंदू मुस्लिम पर आंदोलन चल रहे हैं। रियल सच्चाई यही है कि नहीं? हम तो चाहते हैं कि समाज के सभी तबके के लोग मिल कर के लोकतांत्रिक ढंग से, संवैधानिक तरीके से अपने आंदोलन को जारी रखें। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा आप लोगों के हित में। ठीक है, लेकिन मुख्य सचिव का जो आदेश निकला है उसको आज हम लोगों ने जलाया है। हम लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है कि हम लोग इस ये जो चिट्ठी निकला है इसका विरोध प्रदर्शन करते हैं, और इन लोगों को ये जो सरकार है ये नकारात्मक सरकार है, ये हम लोगों की बात नहीं सुन रही है, प्रेशर डाल रही है हम लोगों के ऊपर कि हम लोग काम पर लौट जाए, और हम लोग काम पर नहीं लौटेंगे चाहे वो हम लोगों को हटा दे। इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे, लोग जितना आंदोलन हो सकता है हम लोग करेंगे, लेकिन काम पर हम लोग नहीं लौटेंगे। सरकार को मानना ही होगा हम लोगों की बात। जब तक सरकार हम लोगों की बात नहीं मानेगी तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। इस खबर में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।